जाने जाना रब दा फैसला। अम्मी ये चावल का चम्मच पकड़ा दे। बेटे साफ सुथरा कुछ खानदानी सा चमचा मुझे भी पकड़ा दे। एक चमचा मुझे भी पकड़ाना। चमचा है नहीं। अरे अंकल मैं देती हूँ ना आपको सबसे अच्छा चम्मच। खाना तो बड़ा टेस्टी है, खुद बनाया या ऑर्डर किया? सुल्तान अब तो तुम ज्यादती कर रहे हो। मैं अगर खुद बनाया तो कमाल है, कमाल है बस। वैसे ये अचार को थोड़ा ये नेहा ने बनाया और मैंने चावल बनाए। मैंने रेसिपी ढूंढ के दी थी। हाँ मगर ये अचार को जो है ना मैं स्वीट डिश लेकर आती हूँ। हाँ आराम से भी बोल सकती हो, नहीं बैठी हो करीब। मैं लेकर आती हूँ। बता दो कौन सा अलादीन चिराग घिसाने से इतना टेस्टी खाना मिला है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, खाना एंजॉय करो बस। तुम क्या खाके एंजॉय करूंगी? सुल्तान अंकल ने अगर अचार पूछ के रेसिपी पूछी तो क्या जवाब दूंगी? हाँ तो कुछ भी बता देना, वैसे तो बड़ी चैंपियन बनी फिरती हो ना तुम। ये कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं है, झट से बता दूं। ऊपर स्वीडिश का बाउंसर भी मार दिया, अब तो पक्का अब्बा को शक हो जाएगा। अब्बा के फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा। आखिर कौन सी जादू की छड़ी घुमाई है और पैसे कहाँ से आए तुम्हें इस लल्लू सलवा के? देखो सच बता दो, यकीनन दद्दू ने तुम्हें सपोर्ट की होगी। हरगिज नहीं, मैं भी महाकुतुबुद्दीन हूँ, अपनी आय पे आ जाओ ना तो बड़े बड़ों के छक्के उड़ा सकती हूँ। पहली बार बिरयानी का नशा चढ़ते देखा है, मैं भी असल बात पर पहुंच ही जाऊंगी। ढूंढो ढूंढो तुम्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा। अल्लाह यहाँ कौन से भूत नाच कर गए हैं? चलो शुरू हो गया एक और मेलोड्रामा। चुप करो, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे खाना ये खुद बनाया है। क्या मतलब है तुम्हें, किसने बनाया खाना? कैलेंडर में भी 24 घंटे लगते हैं तारीख बदलने में, और तुम ये कह रही हो कि 2 घंटों में तुम्हारे हाथों में इतना जायका आ गया है? बेवकूफ समझा है क्या? इतनी अकलमंद है तो फिर आप बता देना खाना कहाँ से आया है। बकवास बंद करो और तुम जाके मीठा सर्व करो जो तुम्हारी बहन वहाँ अनाउंस करके आई है। मुझे पता है सरमत दे करके आई है खाना। आपको कैसे पता चला? ऐसे ये जो हॉट पॉट है ये हलीमा भाभी ने खुद मेरे सामने खरीदे थे अपने सुल्तान के लिए, और अगर आदम देकर जाता खाना तो इतनी शराफत से डाइनिंग रूम में ना बैठा होता। कटवा दी ना नाक दुश्मनों से मदद लेकर। आज कुछ तो कटना ही था ना, अब्बा से टांगे दुश्मनों से नाक शुकर कर मेरी टांगे बचानी पड़े। जाओ अब। वाह भाई वाह, मजा आ गया आज तो। भाई ये कुतुब जो है ना ये एवरी अंडरएस्टिमेट करता है अपनी बच्चियों। भाई मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि इतना टेस्टी बनाएगी नेहा अचार गोश्त। सर आपको हमारे रेस्टोरेंट आना चाहिए अचार गोश्त टेस्ट करने के लिए, बल्कि इस वीकेंड को आना चाहिए। हाँ कुतुब टेस्ट उससे मिलता जुलता ही है कुछ। सुल्तान भाई आप बिरयानी लेना और। हाँ ले लेता हूँ, लेकिन ये अचार गोश्त कुछ। आदम इज्जत का मामला है प्लीज। क्या कह रही हो माँ? वो ये कह रही कि वो भी रेस्टोरेंट आएंगी अचार गोश्त टेस्ट करने। हाँ हाँ सब चलेंगे, डोंट वरी बिल्कुल। साशा ये स्वीट डिश का चम्मच पकड़ा ना। कौन सा वाला? वही जो आदम के सामने रखा हुआ है, वही वाला चम्मच। सर पक्का इस वीकेंड आप आएंगे हमारे रेस्टोरेंट अचार गोश्त ट्राई करने। अब्बा कैसा लगा? कमाल कर दिया मेरी बेटियों ने आज। अच्छा तो जब कमाल करती हैं तो आपकी बेटियां, और जब कमाल नहीं करती तो मेरी बेटियां। आप ना खामखा अपनी बेटियों को अंडरएस्टिमेट करते हैं अब्बा। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इतना जायका है तुम लोगों के हाथों में। और हाथ की सफाई में भी। जी बिल्कुल। सुल्तान को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अचार गोश्त नेहा ने बनाया है और बिरयानी महा ने। अब्बा हमने इतनी मेहनत की है तो इनाम तो बनता है ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब्बा सबसे ज्यादा मेहनत ना मैंने की, मेरा सबसे ज्यादा हक है। जी हम भी इस काफले में शामिल थे। जी बिल्कुल। अच्छा भाई अच्छा,
ये रखो तुम और ये साशा के। थैंक यू पापा। मुझे ऐसा ही शानदार रिजल्ट चाहिए वाइवा का, ताकि प्रोफेसर जाबिर को पता चले कि मैं ऐसी तुम्हें खामखा फेवर नहीं देता हूँ। बेफिक्र है अब्बा, मैंने कल यूनिवर्सिटी से ऑफ लिया ताकि मैं तैयारी करूँ। इंशाल्लाह इस बार भी मैं ही टॉप करूँ। चलो ओके। अच्छा चलो बहुत हो गई, सोने की करो, जाओ अपने कमरे में। आप भी चले। ऐसा ही तुम भी बना लिया करो। ऐ अल्लाह, मुझे इस मोहब्बत के पहले इम्तिहान में सुरखुरू फरमा। मैंने अपना खूने जिगर बहाकर इतने कम वक्त में खाना बनाया है। प्लीज महाजी के दिल में मैदे के थ्रू होते हुए मेरे इस एफर्ट में इसमें बरकत फरमा। आमीन। समझ तो पहले लुकमे से गया था कि ये हमारी रेस्टोरेंट की गजाई बारिश है, बरस रही है कुतुब महल की छत पर। धीरे धीरे बोल, कोई सुन लेगा। सिर्फ ये बताएं कि ये टीका लगा किसी तरह से, उस नेहा की बच्ची या उसकी बहन। साली के लिए इतनी एफर्ट करूंगा मैं, पागल हो गए। इस बार तो बल्कि पहली बार मेरा सिग्नल डायरेक्ट लगा है। भाई मेहनत आपकी और ये जो प्राइज गिविंग सेरेमनी है वो उनके छत पर चल रही है। कोई बात नहीं यार, छोटी सोच नहीं है अपनी, इट्स ओके। डर उस वक्त से जब ये मोहब्बत की बुलाना तुझे चिमटेगी और फिर तू महबूब के गेट पर बैठा होगा मजनू बन के, और वो दिन कभी भी नहीं आएगा। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक मजा आ गया। सुनो हाँ। तुम छोटी हो ना, है ना? हाँ, तो घुमा दोगी। तुम छोटी हो, तुम भी घुमा दोगी। मामू ये देख रहे हैं आप, करे कोई और भरे कोई। औलाद की अच्छी और बुरी बातें माँ बाप को ही भुगतनी पड़ती हैं। बाप का तो नाम ही निकाल दें इस लिस्ट से, जो भी कुछ होता है ना माँ को ही लाके कटेरे में खड़ा किया जाता है। तुम बेफिक्र रहो उल्फत बेगम, एक दिन सर फखर से बुलंद करेंगी तुम्हारी बेटी। अभी तो सगे बाप को चूना लगा रही है सुबह शाम, आपको पता है आज इन्होंने किया क्या है? हाँ सब पता है भाई, खाना कहाँ से आया था। तुम बस खामोश रहो, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएंगी। हाँ लेकिन बाप को भी धोखा देना मामू अच्छी बात तो नहीं है ना। ये सारा कसूर बच्चियों का नहीं है, थोड़ा बहुत तो कुतुब को भी तो बदलना चाहिए ना, जरा भी लचक नहीं है उसमें। इस सारे चक्कर में मैं पेंडुलम की तरह झूल रही हूँ, कभी बेटियों की तरफ कभी शोहर की तरफ। तुम ऐसा करो कि अच्छी सी चाय बनाओ, दोनों बैठ के पियेंगे मामा भांजी टीवी के सामने। और ये सब? अच्छा ऐसा करते हैं, चाय मैं बनाता हूँ, तुम ये सब समेट लो, क्या ख्याल है? ये हो सकता है। हाँ बस फिर चलो। थैंक यू मामू, थैंक यू। भाई भाई भाई, आपको पता है साशा के घर में पार्टी हो रही है। पार्टी किस खुशी में? कुतुब अंकल ने अपनी तीनों बेटियों को इनाम दिया अच्छा खाना बनाने पर। हाँ बेटा, ये हमारे घर की बरकतों की वजह से हो रही है वहाँ पार्टियाँ। क्या मतलब? कुछ तुम जाओ ना, तुम जाके दांत ब्रश करो। जाके कर लिया मैंने। बाल ब्रश कर लो। बाल? मैं तो सोने जा रही हूँ। तो सो जाओ ना, यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? अच्छा तो सीधा सीधा ये कहे ना कि यहाँ से चली जाऊँ, बड़े भाइयों सुनना तो पड़ेगा। सीखो इसे, सीखो किस तरह बड़े भाई की बात सुनती है ये। ऐसा क्यों करते यार, क्यों मतलब क्यों? पता है आज जानबूझकर ये चमच चमच का पहाड़ा पड़ रही थी टेबल पर। यार वो तुम्हारा और नेहा का पर्सनालिटी क्लैश है, उसमें माँ को भी बीच में ले आते हो। बस नेक्स्ट टाइम आपने उनको कोई फेवर नहीं देनी, भाइयों वाला वादा। माँ की कॉल है। थैंक यू सो मच, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू। अरे नहीं नहीं, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। शर्मिंदा तो मैं हूँ, आपके रेस्टोरेंट से इतना सारा खाना मंगवा लिया, आपसे बिल तक का नहीं पूछा मैंने। कैसा बिल? आपके रेस्टोरेंट से खाना आया था, बिल तो होगा ना? अरे नहीं नहीं, वो तो मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भिजवाया था,
अपने हाथों से बना के? I know, लेकिन आपका बिजनेस है ये। आपको क्या लगता है मैं आपके साथ बिजनेस कर रहा हूँ? हर चीज में बिजनेस नहीं देखा जाता महाजी। हेलो, इनको क्या हुआ, फोन काट दिया? खुदा की कसम, इतनी सेल्फिश और बदतमीज है कुतुब महल की शहजादी, उनके सीने में दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। तो समझती मैं उससे बिजनेस कर, दिल तोड़ दिया मेरा यार। भाई, दिल और दिमाग से निकाल दे ये मोहब्बत का फतूर। निकाल दो? काश इतना आसान होता उसे अपने दिल से निकालना जितना आसान तुम कह रहे हो। वैसे 5 रुपए काटने चाहिए आपके इस ओवर एक्टिंग पर। ये भी पैसों की बात कर रहे हैं मुझसे? आदम, वाट्सअप। कोई बात नहीं, मुझे छोटा सुल्तान ही समझ लें। सब दुपट्टा सत्यानाश कर दिया, ये तेरा बिद नहीं है वरना। जानो दुआ करें आज वाइवा है मेरा। नाश्ता तो करते जाओ। हाँ। नहीं यार टाइम नहीं, वो सर वेट कर रहे हैं, मैं निकलता हूँ। अबे। ओके थैंक यू गुड बाय। अल्लाह तुझे कामयाब करे। हाय सारा दुपट्टा। हाँ आदम तैयारी कैसी है? बस दुआ करें सर। खुद भी कोई दवा की है या सिर्फ अब्बा की दुआओं के भरोसे आ गए वायवा देने? ऐसी कोई बात नहीं है। आदम को छोड़ो, तुम ध्यान रखना, जाबिर को आदत है ट्रिकी क्वेश्चन पूछने की। डोंट वरी सर। ओके सर, मेरे लिए कोई हुक्म? अब्बा को आदत है थोड़ी टेक्निकल सवाल पूछने की, सो ध्यान से। तुम फजूल बातें नहीं छोड़ोगी? वायवा देकर फौरन यूनिवर्सिटी पॉइंट पर घर निकलना, मुझे देर हो जाएगी। सर मैं आपके साथ जाऊंगा। चलो ठीक है। ओके ओके। अब्बा अब्बा एक मिनट, आपसे बात करनी थी। अब्बा मैंने कहना था कि अगर आप मुझसे इतनी सी थोड़ी सी भी इतनी छोटी सी भी मोहब्बत करते हैं तो आप आदम सुल्तान से सबसे मुश्किल सवाल पूछेंगे। आपको दद्दू की कसम, मामा की कसम, अम्मी की कसम, माहा साशा मेरी कसम। वायवा पर फोकस करो, जाओ। अब्बा, दद्दू की कसम, अम्मी की कसम, माहा की कसम, साशा की कसम, मेरी कसम। हाँ
अरे नेहा उस्ताद, फिर साफ साफ बोल रहा कि तुम्हारे सामने उस जाबिर का जबर चला ही नहीं। अरे कोशिश तो बड़ी की थी दद्दू, लेकिन नेहा चैंपियन कल्टी खाकर बाहर निकल आती थी। यस। आदम का वायवा कैसा हुआ? अब्बा का चमचा है, हल्का हाथी रखा होगा। अब ये गलत बात कर रही हो तुम। I swear दद्दू, कम से कम वैसा वायवा हरगिज नहीं लिया होगा जैसे प्रोफेसर जाबर ने अपने ग्रुप के स्टूडेंट्स को घुमा घुमा कर लिया था। माहा इधर आना। आई अम्मी। अरे जितना मर्जी घुमा लें, जीत तो हमारी नेहा उस्ताद की होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दद्दू कुछ भी हो सकता है। ओए मनोज बातें मत करो। जी ये केक आज मेरी बेटी की कामयाबी की खुशी में कटेगा। अम्मी रिजल्ट तो आने दे, बल्कि अब्बा से कॉल करके पूछ, लिस्ट आ गई होगी ना अब तक तो। अरे दो बार ट्राई कर चुकी हूँ, फोन काट देते हैं। तुम जाके केक रखो, मैं प्लेटें लेकर आती हूँ। रिजल्ट तुम्हारा आया नहीं, अम्मी ने केक पहले ही मंगवा लिया। तो कब आएगा रिजल्ट और कब कटेगा केक? तो काट लेते हैं ना केक, मैं ही टॉपर होंगी। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है बेटा जी? अपनी मेहनत से दद्दू, देख लीजिएगा सबसे हाई मार्क्स मेरे होंगे। और सेकंड नंबर पे शायद अब्बा का चमचा। ये चमचा सर आदम तुमसे आगे निकल चुका है दो नंबरों की वजह से। What? हाँ, वाइवा में हाईएस्ट मार्क्स आदम के हैं, इसलिए अब कटेगा इसकी कामयाबी का केक। लेकिन अब्बा ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुम्हारे चार मार्क्स काट दिए प्रोफेसर जाबिर ने। What? कर गया वार नेवला। बोरी सिल गई मेरे नाप की। ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, प्रोफेसर जाबिर के ग्रुप में हाईएस्ट मार्क्स इसी के ही हैं। अगर हाईएस्ट मार्क्स नेहा के हैं तो फिर आदम टॉप कैसे कर रहा है? वो वाइवा के बाद मुझे फुल मार्क्स मिले। ओह कांग्रेचुलेशंस। दो नंबरों से टॉप कर रही थी नेहा, लेकिन चार नंबर कम मिलने की वजह से अब आदम है पहले नंबर पर। तो यूं कहना अब्बा के दो नंबर आपने किए। मेरे कोई दो नंबर ही नहीं किए, हर सवाल का ठीक जवाब दिया है आदम ने, और मैं खामखा मार्क्स काटने का कायल नहीं हूं स्टूडेंट्स के। अब्बा मैंने भी 100% दुरुस्त जवाब दिए, आप चाहे तो प्रोफेसर जाबिर से पूछ सकते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं। लेकिन मुझे जरूरत है अब्बा, आप मुझसे पूछे कि एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही डिपार्टमेंट के एक ही एग्जाम के एक उस्ताद फुल बटा फुल मार्क्स दे रहा है तो दूसरा किस कानून के तहत मार्क्स काट रहा है? हर एक का मेथड अलग होता है, ओके? और मुझे कोई हक नहीं है उसे चैलेंज करने का। अब्बा आप सिर्फ अपनी बेटी को लेट डाउन करने का हक रखते हैं, आप माने या ना माने, लेकिन आपने आदम सुल्तान को फेवर दी है। ओ, सर ने मुझे कोई फेवर नहीं दी है। आदम जाओ यहाँ से, मामा टची हो रही है। जी सर। वैसे ज्यादती तो की है आपने, वरना ये सारी दुनिया जानती है कि नेहा उस्ताद से ज्यादा जीनियस नहीं है वो, सुल्तान का बेटा। माँ जाओ बुला कर लाओ उस बेवकूफ लड़की को। अब्बा आप नहीं आएगी वो। मैं जाती हूँ। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। आज तो सर भी फोड़ दोगे ना? कुछ नहीं बोलूंगा। मनोज चमचे अपनी टांगों की ना इंश्योरेंस करा लो, तुम्हारी बोरी मैं खुद बैठकर सीऊंगी। तू जो पास आए लगे एक सजा, तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले सरा, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। शर्त आ रहा हूँ यार, जिंदगी थोड़ी, अब पहुंच रहा हूँ 20 मिनट में, हौसला तो रखो। 17,000 लेके आ रहा हूँ। 2,000 है देना जरा। दो? हाँ चार रखे आप अब्बा हजूर, हम तो आपकी औलाद है, हमारे पैसे पे तो आपका हक है। लॉटरी निकल आई है क्या? यूं ही समझ लें। लड़कियों की बातें कर रहे हैं कि सर पे चोट लगी है, खैर अपना क्या, आइंदा ज्यादा पैसे मांगूंगा। हाँ भाई क्या कह रहा था मैं, 20 चमचा कैसे फुदक रहा था,
को ब्रेक डांस ना कराया तो मेरा नाम ही नेहा कुतुबुद्दीन नहीं। क्या ढूंढ रही हैं? दूध वाले का बिल रखा था 15,000 रुपए के साथ, पता नहीं कहाँ गया। सदर क्या मतलब? 40 चोरों के सरदार गए हैं किसी को 17,000 रुपए देने, 15,000 यहीं से उठाए होंगे। ये शख्स नहीं सुधर सकता, खुद कमाना नहीं और घर से डाके डाल डाल के अपने सारे खर्चे पूरे कर। तो आपने रखे क्यों सामने? भूल गई। तो फिर माफ कर दे सारी दुनिया को, अपने बेटे की खुशी का सदका समझकर। ये तुम किस खुशी में दरियाए घोड़े की तरह डोलते फिर रहे हो? आज ऐसी खुशी मिली है कि बस दिल चाह रहा है कि सारी कायनात अपने सर पे वार कर बस किसी गरीब को दे दूं। अपने बाप को दे दो, वो इस घर में सबसे बड़ा गरीब है। हाँ। मामा, जब कोई सामने वाला पंच करता है ना तो अपने आप को ऐसे डिफेंड करते हैं। अच्छी प्रैक्टिस है भाई, हर रोज कोई नया नुकसान करती हूँ, बिल्कुल अपने बाप की तरह। क्या मतलब टूर्नामेंट है मेरा, प्रैक्टिस भी ना करूं? तुम्हारे टूर्नामेंट के चक्कर में इस घर की आधी क्रॉकरी शहीद हो चुकी है। बाबा का गुस्सा मुझ पे ना उतारे। चप्पल उतारू मैं? वरना जाओ जाके सरमत को कॉल करो, उसे को फौरन घर वापस आए। मैं नहीं करी, खुद करे। अरे यार जाओ तो। आउच, इसको कर दी ना डिफेंड। ताइक्वांडो कर रही है नेहा। क्या बेवकूफी, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी दरवाजा। अब्बा ने तो इनका सिस्टम ही उड़ा के रख दिया। दरवाजा बंद रखने से रिजल्ट नहीं चेंज हो जाएगा तुम्हारा। बाजी ओपन द डोर। अब्बा परेशान हो रहे नेहा। दफा हो जाओ यहां से। लगता है मेरी किस्मत का सितारा भी किसी मनहूस मदार में दाखिल हो गया है। ये क्या तुक है रूम बंद करने की? साहब डीएनए का कमाल है भाई साहब। मतलब आप भी तो यही करते हैं। क्या मतलब है? जो मैं करूंगा वही करेगी है। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। बाबा कभी तो सीरियस हो जाया करें। सीरियस तो तुम्हारी बेटी है इस वक्त। बेटा उसकी फिक्र करो, बच्चे वास्तवा इमोशनल होकर भी बहुत कुछ कर जाते हैं। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे, क्या बात कर रहे हैं? नहीं खोल रही दरवाजा वो, और ना ही जवाब दे रही है किसी बात का। यस। हाँ पहले तो ये करना है फेसबुक अपडेट। अल्हम्दुलिल्लाह गॉट फर्स्ट पोजीशन, फीलिंग प्राउड। ओए ओए ओए, ऐसी गरम गरम हवाएं आ रही हैं कुतुब महल की तरफ से और मेरे दिल पर ठंडी ठंडी बारिश की तरह बरस रही है। नेहा बेशक पिछले सारे सेमेस्टर्स में तुम टॉप पर आई हो, लेकिन ये घाव तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। हम क्या कह रही है? आदम का फेसबुक चेक करो। फीलिंग प्राउड विद 45 अदर्स। अल्हम्दुलिल्लाह गॉट फर्स्ट पोजीशन। मुझे के हाथ कटोरा आ गया। ओ अम्मी के पैसे चोरी हो गए हैं, तुम यहां धमाल डाल रहे हो? नहीं हाँ नहीं, मैं खुशी मना रहा हूँ, मैं बहाना नहीं किया। अच्छा, लेकिन इस वक्त इम्पोर्टेंट बात यह है कि मिली नाराज हुई भी है, जाके मनाओ उसको। मिली हमेशा रंग में भंग डाल देती है, चलें। अरे कुल्फी पिघल जाएगी ऐसे धूप में बैठे बैठे। ये धूप हड़ताल किस खुशी में हो रही है? अरे यार अम्मी ने अपने सरताज का गुस्सा इस बेचारी पे निकाल दिया, बस फोन आया था उनका। हाँ इसलिए बुलाया आपको रेस्टोरेंट से। अरे हाँ यार, अच्छा उठो ना चलो। उठ जा बेटा, मत बस बात करो अपने भाई की जिंदगी। ठीक है नहीं जाना तुमने? नहीं। बस ठीक है फिर, वो जो आइसक्रीम का इतना बड़ा डब्बा मैं अभी लेके आऊँ ना, फ्रिज में रखा हुआ मैंने, वो मैं सीधा साशा को जाके दे देता हूँ। हरगिज़ नहीं, वरना मैं कल तक बैठी रहूंगी यहीं पे। तो फिर सही है, कल तक बैठी रहो, हम इंतजार कर लेंगे।
आ बच्चो, तुम सब यहाँ बैठे हो, ये देखो देखो। अरे फिर किसी के घर की उजड़ने की खबर ना दे दीजिएगा। देखो देखो लड़की कितनी पोपट है ना। ये लड़की लग रही है आपको? आपसे एक दो महीने छोटी होगी और रिंकल्स भी आपसे ज्यादा हैं। सब ये अल्लाह के लिए बताना कैसी रहेगी। उनके लिए हो तो फिर बोटॉक्स पहले करवा दो। तुझे क्या पता स्टाइल का, देखते सरवर है। जिसने शादी करनी उसको दिखाने, मुझे को दिखा रही है। नरगिस नाम है इसका, अभी ताजा ताजा बेवा हुई है खेत से। हाय मैं कुर्बान जाऊं ऐसी ताजगी पर। इधर हमारी मिली कुल्फी की तरह पिघल रही है धूप में और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अंदर चलना या डंडा डोली करके उठाए तुम्हें? लो, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे बिजनेस में। सब फालतू लोग हैं। और ये चली पिली क्यों नहीं उठाई? लगाओ इसको उल्टे हाथ की, खुद ही उठ जाएगी। मिली यार जल्दी पे पेट्रोल छिड़क के चलेगी। भाई आज पूरा इलाका गर्म हो रहा है, लग रहा है कि सूरज आग धंसा। अच्छा वाव हो गया, फिर से मनाया जाके उसको। ए मिली, ओ यार क्या सीन है, क्या करना तुम्हारा है? अच्छा चलो ना मान जाओ, बी गुड गर्ल। नहीं कर, नहीं नहीं मानोगे? नहीं मान, क्या करेंगे नाच के? पैसे कर हैं, पैसे पैसे कितने पैसे लगे? 1000। अच्छा हाँ मेरे पास नाच। चल भाई नाच के देखें। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अजगी ये देख ले, मैं मारू मारू अपने मान। ये लो चलो। हाँ हंस गई हंस गई हंस गई हंस गई। चलो दुश्मनों को जेर करने का वजीफा। ये ठीक है। अब्बा मेरे तो हाथ दुख गए दरवाजा बजा बजा कर, लेकिन बाजी नहीं खोल रही। जिद के मामले में बिल्कुल आप पर गई है। और पोड़पने में मुझ पर। अब खुश? चलें, चल के खाना खा लें, घर में कोई भूख हड़ताल नहीं चल रही। सुबह का नाश्ता किया उसने? नहीं। और यूनिवर्सिटी से आकर एक सेब खाया था, वो भी आधा। पार्टी तो बीच में ही रह गई। तुम जाओ जाकर नॉक करो, हो सकता है दरवाजा खोल दे। जब ठंडा होगा तो खुद ही बाहर आ जाएगी। अरे कैसी माँ हो तुम, जरा टेंशन नहीं लेती औलाद की? तो आप कैसे बाप हैं जो दूसरों की औलादों को टोकरा भर भर के नंबर दे रहे हैं? किस बेसिस पर मैं लड़ता जाबिर से? उसके ग्रुप में हाईएस्ट मार्क्स उसी के थे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से मिलता है उसे सफीउल्लाह। गॉड ये क्या मुसीबत है, ये दुख को बुड्ढा तो पीछे पड़ गया। लगता है लड़की को ज्यादा पसंद आ गई है। हेलो जहे नसीब, ये नरगिसी आंखों वाला चांद का टुकड़ा कहां से दरियाफ्त किया मैं हमारे लिए? फीस हलाल कर रही हूँ और आम खाने की आदत नहीं है मुझे। आप बताइए नरगिस बीबी कैसी लगी आपको? हाय काश हम शायर होते, कम से कम 5000 अशआर का दीवान लिख डालते, और अगर हम अदीब होते तो 10,000 सफात लिख डालते। ये लंबी लंबी फेंकने की जरूरत नहीं है, रात तक सोच के बताओ कि बात आगे बढ़ानी है कि नहीं। बात निकलेगी तो अब दूर तक जाए, लोग बेवजह खुशी का सबब पूछेंगे। तो आपको क्या जरूरत थी उस आदम के लिए लूट सेल लगाने की? फिर वही मुर्गे की एक टांग, जब हर सवाल का सही जवाब दिया तो किस चीज का नंबर काटता? उसी बात के जो आपके दुश्मन ने आपकी औलाद के काटे। अच्छा भाई ठीक है, सीज़ फायर, मैं जाके देखता हूँ। इस वक्त वो अपने बाप को भी ना पहचाने, जाकर देख लीजिए आप। अरे हम भी उसके बाप के पाप है, जस्ट वेट एंड सी। ये क्यों इतने मस्त अंदाज में घूम रहे हैं? कुछ पूछो, मामू है तुम्हारे।
क्या चैंपियन? दरवाजा खोलो, बहुत बड़ी न्यूज ब्रेक करनी है भाई, वरना मैं दरवाजा ब्रेक कर दूंगा। अब आए आए बच्चे, बहुत दर्द हो रहा है सीने में, लग रहा है हार्ट अटैक होने वाला है, दरवाजा खोलो। अरे दद्दू दद्दू, आप ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है A1। चलो जी, तो पर ये नौटंकी क्यों लगाए रखी थी? अरे कौन सी नौटंकी, तुम अपना ड्रामा ये जारी रखो, कबार किसी को नहीं पता कि दद्दू हैंडसम तुम्हारे कमरे में। दद्दू आपको ये ड्रामा लग रहा है, ये सब ड्रामा लग रहा है आपको? मेरे दिल पे चोट लगी है। हमें पता है कितनी चोट लगी है, तुम ये देखो। ये कौन है? ये तुम्हारी फ्यूचर दादी नरगिस। खुदा का खौफ करे, मेरा सारा मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है और आपको ये ऐसे मजाक सूझ रहे हैं? अरे मजाक कौन कर रहा है, इंतहाई सीरियस हूँ, नजर नहीं आ रहा क्या? मेरा प्रपोजल आया है tamanna.com से। उस मनोज आजम की तमन्ना नानी आपको आपकी नानी याद दिला देंगी, पूरा का पूरा खानदान ही धोखेबाज है। वैसे मुझे बात बताएं, माशाल्लाह से ये शादी का अहमकाना मशवरा किसने दिया आपको? किसने दिया? नेहा चैंपियन ने दिया। जरा याद करो, जब तुम्हारी नानी की बरसी पे उदास बैठा हुआ था मैं, तो तुमने क्या कहा था? अरे यार दद्दू, अभी तो मुझे सिर्फ वो चार नंबर याद है जो उस आदम के बच्चे ने अब्बा से वरगला के लिए। अरे कर लेंगे ना तुम्हारे चार नंबरों का कुछ फिलहाल, ये गौर से देखो तुम। ये ले, कर दीजिए। अरे ये क्या कर दिया तुमने? अभी तस्वीर तभी रिकवर होगी जब मेरे चार नंबर रिकवर होंगे। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर दी। यहाँ से कैसे डिलीट करूंगा? अरे दद्दू यार, ये अपनी ओवर एक्टिंग बाहर जाके करें यार, मुझे अब्बा को टफ टाइम देना है। पोती, दिस इज नॉट फेयर। प्लीज ना दद्दू, प्लीज। ओके, You carry on with your emotional drama. मैं चलता हूँ। ओए मगर याद रखना, तुमने अच्छा नहीं किया तो स्वीट डिलीट करके छोड़ूंगा नहीं। ठीक है दद्दू, ठीक है, बस मैंने भरम रख लीजिएगा बाहर, ठीक है? हाँ। अम्मी पहली बार थोड़ी की है बाबा ने ऐसी हरकत। लेकिन बंदा कभी तो हया करता है ना, कब तक अपने घर में डाके मारते रहेंगे वो? मैं भी हजार बार कह चुका हूँ पैसों की जरूरत है, मुझसे ले लें। लेकिन नहीं, उन्होंने तो हमारे दिल जलाने की कसम खा रखी है। अच्छा अम्मी, रोना तो बंद करें ना। अरे मैं कैसे बंद कर दूँ, ये रोना तो सारी जिंदगी का है। जरा जो इस इंसान को एहसास हो के बच्चे कैसी मुश्किल से दिन रात मेहनत करके कमाते हैं और वो यूं चीलों की तरह झपट के एक मिनट में ले जाते हैं। और अजीब सी कंपनी है इनकी, अजीब सी लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये शर्तें लगा के खेलते हैं लूडो और ये ताश। हैं? ये किसने बताया आपको? अभी ये फारूक अंकल हैं, उन्होंने, उन्हीं की दुकान के सामने तो महफिल लगती है इनकी। हाँ तो अम्मी, आप साफ साफ क्यों नहीं बात करती उनके साथ? अरे क्या बात करूं मैं, बस साफ मुकर जाते, अपने परों पर तो पानी पड़ने नहीं देते ना। छोड़े अम्मी बस, आप भी क्यों अपनी जान थकाती हैं बस। और आप मिली पे भी अपना गुस्सा मत निकाला करें, उस बेचारी का क्या कसूर है सब में? हाँ कसूर तो मेरा है ना, जो ये जबरदस्ती का रिश्ता मैं निभाती चली आई हूँ। हमेशा हमेशा अपनी जूती की नोक पे रखा है मुझे उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। मिली कहाँ है? इधर ही कहीं होगी, घूम रही होगी। वो तुम्हारी नेहाबाजी का गुस्सा कुछ कम हुआ? नहीं, उन्होंने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया है और दरवाजा भी नहीं खोल रही। मैं मलिया को देखती हूँ। मलिया, क्या मसला? और तुम्हारा तो वाइवा भी था ना आज, उसी रिजल्ट के शोले भड़क रहे हैं भरोस में। क्या मतलब? आप किचन में आए, मैं आपको सब समझाता हूँ। आज तो जश्न मनानी थी लेकिन अम्मी के दुख खत्म ही नहीं हो रहे। मैं मत रोए ना, मेरी हंसी निकल जाएगी। तू भी? अस्सलाम वालेकुम तमन्ना जी। नरगिस अपनी बेनूरी पे रो रही थी और हमसे देखा ना गया, गलती से तस्वीर को डिलीट कर बैठे। प्लीज दोबारा भेज दीजिए। डिस्को बुढ़ा। अस्सलाम वालेकुम तमन्ना जी। नरगिस अपनी बेनूरी पे रो रही थी और हमसे देखा ना गया, गलती से तस्वीर को डिलीट कर बैठे। प्लीज दोबारा भेज दीजिए। हाय
जाने जाना।